ले चंदा। ले लाडू, थोड़ा तो खा ले। चाची चाची आप यहाँ हो? मेरे को आपकी बहुत याद आ रही थी। जब मैं नाना के घर से यहाँ पर आया था ना, मैं आपको ही ढूंढ रहा था। इन सब ने मेरे को झूठ बोला कि आप कहीं चले गए हो। क्यों झूठ बोला सबने मुझे? अरे आदित्य बेटा, तुम्हारे क्या कर रहे थे? चल चल मेरे साथ, चल बाहर। थोड़ी देर माँ, थोड़ी देर मेरे पास रेंट दो ना। चंदा तू बात समझ, तू तो जाने है ना, अगर चीची को पता चल गया तो तेरा मेरा दोनों का गला काट देगी और हाथ भी ना धोवेगी। चल छोड़ दे इसे, चुप हो जा मेरा राजा, चुप हो जा, रोती नहीं। तेरी दादी जी देखेगी ना तो बहुत नाराज होगी। तू तो जाने है ना। चुप हो जा। बेटा रो क्यों रहा है? बेटा रो के नहीं है, सो या। मैं कुछ चंदा चाची के पास नहीं जाने दे रही, वो ऊपर कमरे में बंद है। और आपने भी मुझसे झूठ बोला कि वो यहाँ पे नहीं है। मुझको चंदा चाची के पास जाना है। ना ना बेटा, वो तो तेरा वहम है। चीची गलती हो गई, मैं चंदा के लिए खाना लेके गई थी और दरवाजा खुला रह गया और ना जाने ये कहाँ से। क्यों मेरी जान में आफत कर रहे हो? एक बच्चा नहीं समझता, इतनी बड़ी समझदार हो रही। चीची वो जानबूझ के नहीं की। ना ना देख, गला खराब हो जाएगा। ना ना क्या हो गया अम्मा जी, आदि गिर पड़ा क्या? गिरता इनकी अकल पड़ी है। चंदा ने खाना देन गई थी, दरवाजा खुला छोड़ दिया, बच्चे ने वधिक गई। इस कार में सबके दिल भरे पड़े उस मनुष्य के लिए। जा सुनहरी, बच्चे ने अंदर ले जा। जी अम्मा जी। बेटा रोते नहीं, चुप हो जा बेटा। जा मत रो ना बेटा, चुप हो जा दित्ते। मुझे आपसे बात नहीं करनी, आपने मुझे झूठ बोला। बेटा मन ने तेरे ते समझाया था ना,
चंदा पांचवे जन्म में नागिनती नागिन खुला छोड़ो तो तन्ने या जो सामने आवेगा उसे डस लेवेगी। सच बोल रही हो? और क्या, एक बार वो झूमर पे लपकी थी, झूमर तो बाज खड़ी हुई, नहीं तो उसका राम बुखाड़ा हो जाता। बस क्या, तब से चंदा को कमरे में बंद करके रखा हुआ है। और सुन, तू भी भूल के भी उस ओर नहीं जावेगा, नहीं जावेगा ना? नहीं, मैं कभी नहीं जाऊंगा। या खिड़की चीची, तुम इस वक्त यहाँ पर? जानता हूँ ये सब बहुत डेंजर काम है, मुझे सबके सामने तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करता, मैंने मूवीज में अक्सर देखा है वो लोग ऐसे ही करते हैं। तुम प्लीज यहाँ से जाओ, प्लीज। ठीक है जाता हूँ, लेकिन मुझसे वादा करो कल सुबह मुझे वही मिलने आओगे, वादा करो। कहाँ हो बेटा? अभी तुम यहाँ से जाओ। अच्छा, एक एप्पल दे दो। जाओ। एक एप्पल, भूख लगी है। अच्छा, एक एप्पल तो दे। क्या सिया, कितनी देर लगा दी आने में, मैं तुम्हारा रात से इंतजार कर रहा था। सिया, मैं जानता हूं जो सवाल मैंने तुमसे पूछा था उसका जवाब इतनी जल्दबाजी में नहीं दिया जा सकता, और ये भी जानता हूं कि जिंदगी के फैसले इतनी आसानी से नहीं किए जा सकते, लेकिन अब मुझसे और रहा नहीं जाता, तुम्हें मेरी सवाल का जवाब आज ही देना होगा। प्लीज तुम्हारा जवाब हाँ ही देना, मैं पागल हो चुका हूं तुम्हारे लिए, हर पल सिर्फ तुम्हारे ख्यालों में खोया रहता हूं, ये प्यार है या पागलपन मैं नहीं जानता, इतना जानता हूं कि अब तुम्हारे बगैर जिंदगी को जिंदगी नहीं कह सकता, अपने सफर में तुम्हें अपना हम सफर बनाना चाहता हूं सिया। साथ दोगी ना?
बेटा मैंने बचा लो, अम्मा जी के गुस्से से बचा लो, जो अम्मा जी का काम पूरा न कर पाए। बच्चे ठिकाने ना लगा पाए। अम्मा जी मुझे जान से मार देगी। उनके आदमी जगह जगह मैंने ढूंढने से अब और मुझसे नहीं भागा जाता। बेटा अब अम्मा तेरी बातें मानेंगे। बेटे की बात ना टालेगी वो। तुम क्या अम्मा जी के बेटे हो?